हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज जी शेंकी मेडिकल एजुकेशन सो जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हम मोनोक्युलर एंड बायोनोक्युलर दोनों माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ये जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वेरियस सब्जेक्ट्स को कवर करता है सो so, इसको ध्यान से वीडियो को एक बार देख लेना एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें शेयर कर दें लाइक like कर दें वीडियो को क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन शेयर नहीं करते हैं लाइक like नहीं करते हैं एंड सपोर्ट नहीं देते हैं या ये वीडियो को शुरू करते हैं सो so, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये जो माइक्रोस्कोप होता है ये होता क्या है किस लिए यूज़ किया जाता है इसकी केयर मेंटेनेंस क्या है इसकी एप्लीकेशन क्या है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है आज हम उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे सो so, लास्ट तक बने रहना वीडियो में, में मेरे साथ सो so, देखिए जो माइक्रोस्कोप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है अब मोनोक्यूलर का मतलब होता है यहाँ पे वन आई पीस है एंड बायो कलर का मतलब होता है यहाँ पे टू आई पीस होते हैं हमारे पास ठीक है ये डिफरेंस समझ आ गया अब देखिए द टर्म माइक्रोस्कोप ये जो माइक्रोस्कोप होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है एक माइक्रो एंडस्कोप ठीक है माइक्रो एंडस्कोप जब कंबाइन होंगे तो उसको हम बोल देंगे माइक्रोस्कोप जो टर्म है माइक्रो इसका मतलब होता है टाइनी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एंड स्कोप का मतलब होता है व्यू टू ऑब्जर्व किसी भी चीज़ को देखना ठीक है सो so, वो जब हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखते हैं ठीक है उसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप ईजी है सो देअ फोर अ माइक्रोस्कोप कैन बी डिफाइंड एज इंस्ट्रूमेंट सो जो माइक्रोस्कोप है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू ऑब्जर्व स्मॉल पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए दैट आर नॉट विजिबल विद दी नेक डाइस ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स को विजिबल करते हैं देखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो कि हम अपने नेक डाइज से नहीं देख सकते हैं देन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज टू लेंस सिस्टम ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके पास दो लेंस सिस्टम होता है ठीक है टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए मतलब देखने के लिए दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है जो लेंस सिस्टम है इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस होता है नियर टू प्लेस ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड ऑब्जेक्ट होता है उसके नियर होता है एंड एन आई पीस लेंस नियर टू वर्स आई सो दो यहाँ पे लेंस के बारे में बात की जा रही है ना तो so जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ये है ठीक है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्ट के नियर है ना सो so, यहाँ पे हमारी स्लाइड होगी और जो इसके पास है लेंस वो ये वाला है इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दूसरा आई पीस लेंस जिसे हम कहते हैं वो ये होता है जो कि व्यूवर के पास होता है जो हम जब हम माइक्रोस्कोप को हैंडल करते हैं सो so, यहाँ से हम इमेज को देखते हैं ठीक है सो so, ये हो गया हमारा आई पीस लेंस एंड ये वाला जो पोर्शन है जिसको ये जो है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है सो आई पीस के अकॉर्डिंगली ही हम बता सकते हैं अगर सिंगल आई पीस तो मोनोक्युलर टू आई पीस तो बाइनोक्युलर ओके सो दे आर अवेलेबल एज अ मोनोकुलर सो so, जो माइक्रोस्कोप होता है वो मोनिकुलर के फॉर्म में भी यूज होता है दैट मीन्स विद वन ऑक्यूलर लेंस यहाँ पे एक ऑक्युलर लेंस है एंड वाइन ऑक्युलर मतलब टू ऑक्युलर लेंस हो गए जो कि इस इमेज में आपको दिख रहा है दिस माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो नोन एज अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इस माइक्रोस्कोप को हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं इसका दूसरा नाम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है इट इज जनरली यूज फॉर डिटेलिंग सेलुलर कॉन्टेंट एंड मफोलॉजी जो सेल है उसके डिटेल्स को देखने के लिए यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल मोफोलॉजी एंड सेलुलर कॉन्टेंट्स को देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं नाउ लेट एस सी द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड दिस माइक्रोस्कोप सो अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेजाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें कॉम्बिनेशन है लेंसेज के मतलब दो लेंसेज है इसके अंदर दैट इंक्रीजेज द मैग्नीफाइंग कैपेसिटी जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट की जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज uh, हो जाती है एंड जो रिजॉल्विंग पावर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है देन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेसड ऑन द स्टेज अब क्या है जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेज के ऊपर प्लेस किया जाता है बिटवीन द कंडेंसर लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस कंडेंसर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में इसको प्लेस किया जाता है द बीम ऑफ द विजिबल लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स इज फोकस्ड बाय अ कंडेंसर लेंस अब जो कंडेंसर लेंस होता है वो अपनी तरफ से एक लाइट फेंकता है ऑन टू द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ ठीक है द ऑब्जेक्टिव लेंस रिसीव्स द ट्रांसमिटेड लाइट अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो जो लाइट ट्रांसमिट हो रही थी ऑब्जेक्ट से वो उसको रिसीव करेगी बाय द स्पेसिमेन एंड मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट इमेज और जिससे वो ऑब्जेक्ट इमेज को मैग्नीफाई करेगी एंड दिस इमेज इज अगेन मैग्निफाइड बाई दुलर लेंस और आई पीस अब ये जो इमेज मैग्निफाइंग हुई थी इसको दोबारा मैग्निफाई किया जाएगा ऑकुलर लेंस या फिर आई पीस जैसे कहते हैं सो दैट हम आई पीस के थ्रू इस इमेज को मैग्निफाई कर सकें मतलब देख सकें द मैग्नीफिकेशन रेंज ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसकी जो मैग्नीफिकेशन रेंज होती है वो हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड एक्स होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद कर लेना टोटल टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल होती है पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू पावर ऑफ ऑक्युलर लेंस मैग्निफिकेशन की अगर फॉर्मूले के बारे में बात की जाए तो दो लेंस होते हैं हमारे पास उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है टोटल मैग्निफिकेशन मानी जाती है नाउ देर आर दी कॉम्पोनेट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप सो कॉम्पोनेट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप में बात करें सो so हमारे पास यहाँ पे आई लेंसेज होते हैं जो कि टेन एक्स या फिर फिफ्टीन एक्स तक होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं फोर एक्स होते पावर का होता है टेन एक्स पावर का भी होता है फोर्टी एक्स का भी होता है हंड्रेड एक्स का भी होता है देन हमारे पास कंडेंसर है एरिसाइफ्राम है यहाँ पर ठीक है कंडेंसर यहाँ पर होता है देन यहाँ पे मकैनिकल स्टेज होती है मकैनिकल स्टेज ये है बेस और फुट बोलते हैं जिसको हम ये बेस होता है जिसको फुट भी कह सकते हैं आम होती है ये आम है जहाँ से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ सकते हैं फाइन एंड कोर्स एडजस्टमेंट नोब होती है यहाँ पे ठीक है इसके अंदर नोब होती है जिससे हम जो मैग्नीफाइंग इमेज है उसको और भी ज्यादा क्लियर कर सकते हैं फाइन कर सकते हैं यहाँ पे लाइट सोर्स है जो कि यहाँ से लाइट पास आउट होती है यहाँ पे नोज पीस एंड अपरेटस होता है जो ये है ठीक है सो नोज पीस यहाँ पे है ठीक है सो so, इस तरीके से जो हमारा माइक्रोस्कोप uh, होता है वो uh, दिखता है ठीक है सो so, यहाँ पे एक बार प्रिंसिपल के बारे में बात करें सो so, ये हमारी स्टेज है यहाँ पे मैं स्लाइड को रखती हूँ एंड यहाँ से लाइट पास आउट होती है जब वो लाइट पास आउट होती है तो so जो लाइट है वो इस ऑब्जेक्टिव uh, लेंस के थ्रू uh, निकलती है यहाँ पे वो लाइट ऑब्जर्व हो जाती है यहाँ से एक मैग्नीफिके uh, एक इमेज मैग्नीफाई होगी वो जो इमेज मैगनीफाई होगी है वो हो रही है वो दोबारा से आई पी के थ्रू मैग्नीफाई होती है और जिसको व्यूवर यहाँ से देखता है सो so, ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है फॉर द माइक्रोस्कोप नाउ देर आर सम सम्लीकेशन फॉर द माइक्रोस्कोप सो इट इज यूज इन दैबोरेटरीज इसको लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है टू एग्जामिन मोफोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ वेरियस सेल्स बहुत सारे सेल्स की मोफोलॉजिकल डिटेल्स को चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है वो कौन कौन से सेल हो सकते हैं जैसे ब्लड सेल्स हो गए माइक्रोबियल सेल्स हो गए यूरिन सेडिमेंट्स हो गए पैरासाइट्स हो गए प्लांट सेल बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनकी मोफोलॉजिकल डिटेल्स को हम देख सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप दैन इट इज़ यूज फॉर नोइंग दी प्रेजेंस एंड एबसेंस ऑफ मिनरल्स मिनरल्स की प्रेजेंस एंड एबसेंस को चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है मेटल्स की प्रेजेंस एंड एबसेंस को देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट सैम्पल्स में इन फोरेंसिक फोरेंसिकैबोरेटरीज इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ह्यूमन फिंगर प्रिंट्स फोरेंसिक लेबॉरिटरीज में ह्यूमन फिंगर प्रिट्स को चेक करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है नाव देर आर वेरी इम्पॉर्टेंट केयर एंड मैंटेनेंस जो कि एग्ज़ाम में आते ही जाता है सो प्लेस द माइक्रोस्कोप ऑन अ फर्म बेंच सो देट इट डज नॉट वाइब्रेट हमने जो माइक्रोस्कोप है उसको फर्म बेंच पर रखना है सो so दैट वहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है वो वाइब्रेट ना करे डो नॉट प्लेस नियर हीट जनरेटिंग एंड वाइब्रेटिंग इंस्ट्रोमेंट जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो हम उसको हमें हीट जनरेटिंग या फिर वाइब्रेटिंग इंस्ट्रोमेंट के आसपास नहीं रखना है देन क्लीन सरफेस पर रखना है देन द स्पेसिमैन शुड बी कम्पलीटली ड्राई बिफोर प्लेसिंग ऑन द स्टेज जो भी स्पेसीमैन हम चेक करने वाले हैं मैग्नीफाई करने वाले उसको अच्छे से ड्राई करने स्टेज पे रखने से पहले ऑलवेज स्टार्ट द एग्जामिनेशन विद्सेक्टिव लेंस जब भी आपने स्टार्ट कर रहे हो एग्जाम इन करना किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले टेन एक्स पावर लेंस को यूज़ करें देन मूव टू हायर पावर उसके बाद हाई पावर पे जाए एंड उसके बाद ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ करें द आइडियल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी जो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए देखिये उसके बारे में बात करें अगर हम टेन एक्स ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करें तो सिक्सटीन एम एम का डिस्टेंस होना चाहिए फोर्टी एक्स यूज कर रहे हैं तो जीरो फोर एम एम का डिस्टेंस होना चाहिए हंड्रेड एक्स है तो जीरो टू एम एम का डिस्टेंस होना, तो mm होना बहुत जरूरी है ऑलवेज यूज इमर्जन ऑयल और पैराफिन ऑयल फॉर एग्जामिनेशन अंडर हंड्रेड एक्स ऑब्जेक्टिव लेंस अगर हम हंड्रेड एक्स ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी जो स्लाइड होती है उसके ऊपर या तो इमर्जन ऑयल का एक ड्रॉप लेना चाहिए या फिर पैराफिन ऑयल का एक ड्रॉप लेना चाहिए उसके बाद ही एग्जामिन करना चाहिए क्योंकि जो हंड्रेड एक्स होता है उसको हम ऑयल इमर्जन लेंस भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद ऑलवेज लिफ्ट एंड कैरी द माइक्रोस्कोप विद वेल सपोर्टेड हैंड जब भी आप माइक्रोस्कोप को उठा रहे हैं तो बहुत टाइट अपने मजबूत हाथों से उठाए ऐसा ना बहुत आराम से उठा लिया और वो गिर गया ठीक है क्लीन द लेंस विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ जाइलिन अब जब हम यूज़ कर लेते हैं माइक्रोस्कोप को या फिर यूज करने के बाद या फिर यूज करने से पहले लेंस को हमेशा क्लीन करना चाहिए सो हम उसे जैलिन के साथ कर सकते हैं क्लीन या फिर सॉफ्ट क्लॉथ कॉटन क्लॉथ के साथ क्लीन कर सकते हैं नेवर यूज वाटर और अल्कोहल फॉर क्लीनिंग पर्पस लेंस को क्लीन करने के लिए अल्कोहल एंड वाटर यूज़ कभी भी नहीं करना है देन एट द एंड ऑफ द डे वाइप ऑफ ऑल लेंसेज एंड कवर दैम विद अ प्रोटेक्टिव लेंस जब हम माइक्रोस्कोप का यूज कर लेते हैं अब हमें पूरे दिन में अब नहीं चाहिए माइक्रोस्कोप को यूज नहीं करना है तो उसके बाद लेंस को और माइक्रोस्कोप को अच्छे से क्लीन करें एंड उसके बाद उसके कवर से उसको कवर कर दें दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज चीयर शेंकी मेडिकल एजुकेशन शेयर दिस वीडियो कमेंट बिलो हाउ मच दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम थैंक यू वेरी मच